दोस्तों, नासा द्वारा रेड प्लैनेट पर भेजे गए मार्स रोवर 2020 में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई थी और सिस्टम में केवल जरूरी उपकरण ही चल रहे थे। यानी टेक्निकली बोला जाए तो मार्स प्रिजर्वेंस रोवर सेफ मोड में चला गया था। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं ऐसा क्या हुआ मार्स रोवर के साथ जिस वजह से यह स्थिति आन पड़ी। नासा ने मार्स रोवर को एटलस रॉकेट से 30 जुलाई को सक्सेसफुली लॉन्च किया। नासा अपने इस एडवांस रोवर को स्पेस में भेजकर सेलिब्रेट कर ही रहा था कि इंजीनियर्स को एक टेक्निकल ग्लिच फेस करना पड़ा, जिस वजह से मार्स रोवर सेफ मोड में चला गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, जब भी किसी सैटेलाइट में कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो वो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ मोड में चला जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस रोवर के साथ और वो सेफ मोड में चला गया। अब इसमें नासा का ये कहना है कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ। उनका स्टेटमेंट यह है कि डेटा इंडिकेट द स्पेसक्राफ्ट हैड एंटर्ड ए स्टेट नोन एज सेफ मोड, लाइकली बिकॉज ए पार्ट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट वाज ए लिटिल कोल्डर देन एक्सपेक्टेड व्हाइल मार्स 2020 वाज इन अर्थ शेडो। ऑल टेम्परेचर्स आर नाउ नॉमिनल एंड द स्पेसक्राफ्ट इज आउट ऑफ द अर्थ शेडो। यानी दोस्तों, जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के शेडो से गुजरा तो स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर डाउन हो गया, जिस वजह से ये टेक्निकल ग्लिच आया। इस ग्लिच की वजह से स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल मिलने में समस्या आ रही थी। स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल भी सही से प्रोसेस नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो अर्थ शेडो से बाहर है। अब टेम्परेचर भी नॉर्मल है। नासा स्पेस कम्युनिकेशन के लिए अपने डीप स्पेस नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। नासा का यह भी कहना है कि इंजीनियर्स को प्रिजर्वेंस से कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क सेटिंग को ट्वीक करने की ज़रूरत है। लेकिन देखा जाए तो नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना बहुत ही विशाल और सेंसिटिव रिसीवर से इक्विप्ड हैं। अब ये स्पेसक्राफ्ट ग्लिच के समय अर्थ से काफ़ी करीब था, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके बगल में खड़ा पर्सन आपके कान में चिल्लाए और आप सुन ना पाएं। खैर, अब नासा का कहना है कि रोवर सेफ मोड से बाहर आ चुका है और फिर से नॉर्मल ऑपरेशंस कर रहा है। दोस्तों, $2.7 बिलियन लगे हैं इस मिशन पर। प्रिजर्वेंस 45 किलोमीटर के जेजरो क्रेटर में 18 फरवरी 2021 को उतरेगा। This is the future. Evolution. This is the future. माना जाता है कि इस क्रेटर में बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बड़ी झील हुआ करती थी।